हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे जेनेटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स एंड हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, उनके मतलब उनके वर्किंग, मेंडल्स वर्किंग, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो आज हम देर न करके शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ये एक एग्जाम में आने वाला एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जेनेटिक्स में, ठीक है। जेनेटिक्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल परफॉर्म टू इम्पोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल जो प्लांट पे, मतलब पी प्लांट पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, वो दो तरह का है। एक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस नाम से ही पता चलता है, मोनो मतलब होता है सिंगल एंड डाई मतलब होता है डबल, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं डेफिनेशन कैसा है। मोनो हाइब्रिड मतलब क्या होता है, सिंगल, एंड डाई हाइब्रिड मतलब डबल। तो देखें यहां पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस इन्वॉल्विंग द ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट ए टाइम, नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वैसे ही आप मुझे बता सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन क्या होगा। क्रॉसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसमिशन ऑफ, यहां पे चेंज हो जाएगा सिंगल, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट ए टाइम, नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल पेयर मतलब होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एंड डबल पेयर या फिर टू पेयर होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो नाम से ही डेफिनेशन हो जाता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल एक टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट जो कि प्योर है। तो हम सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स एंड रीजन फॉर मेंडल सक्सेस में पढ़ चुके थे कि मेंडल जो कुछ भी लेते थे प्योर एंड होमोजाइगस लेते थे। तो यहां पे उन्होंने प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट में जब क्रॉसिंग ओवर किए थे, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट पे जब उन्होंने क्रॉसिंग ओवर किए थे, तब क्या हुआ, तब जो प्लांट निकला वो टॉल था, ठीक है, तब जो F1 प्लांट निकला वो टॉल था। उसके बाद फिर उन्होंने जब F1 प्लांट पे सेल पोलिनेशन किए थे, तब टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट निकले। अप्रोक्सीमेटली रेशियो कितना था, टॉल प्लांट था 3 और ड्वार्फ प्लांट था 1, मतलब टॉल इज टू ड्वार्फ इज इक्वल टू 3:1। ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये आपको समझ में आया है। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में प्योर टॉल एंड प्योर डॉट प्लांट लिए थे। तो हम यहां पे प्योर टॉल प्लांट का सिंबल लिख सकते हैं 2T, एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट का सिंबल हम यहां पे लिख सकते हैं 2t, ठीक है। जबकि ये प्योर है तो 2T एंड 2t। तो यहां से कैपिटल टॉल प्लांट का एक जीन T एंड ड्वार्फ प्लांट का एक जीन t, इसे बोलते हैं गैमेट, ठीक है। टॉल प्लांट का T एंड ड्वार्फ प्लांट का t, ये है गैमेट। तो जब मेंडल ने टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट में क्रॉसिंग ओवर किया, तब रिजल्ट क्या मिला, तब रिजल्ट में टॉल प्लांट मिला, ठीक है। जबकि ये यहां से एक T और यहां से एक t, एक T और t यहां पे है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है टॉल ट्री, ठीक है, यहां पे तो टॉल ही लिखा हुआ है। यहां पे ड्वार्फ क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि अगर यहां पे एक t एक t है, एक T और एक t है, ठीक है, एक टॉल प्लांट एंड एक ड्वार्फ प्लांट का अगर गैमेट यहां पे प्रेजेंट है, तो यहां पे डोमिनेंट कौन है, यहां पे डोमिनेंट है टॉल प्लांट। हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में हमारे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पे क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ में डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल। तो यहां पे अगर एक भी जीन टॉल रहा तो वो कैरेक्टर क्या दिखाएगा, वो टॉल ही दिखाएगा। तो F1 जनरेशन में क्या मिला हमको, तो टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट में क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो F1 जनरेशन में मिला क्या, टॉल प्लांट मिला। तो ये हुआ क्या, सेल्फ पोलिनेशन, ये क्या हुआ, सेल्फ पोलिनेशन। यहां पे अगर आप इस फिगर को देखें तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस डायग्राम को देखकर। तो देखो यहां पे एक T एंड एक t, ये ज्यादातर बच्चों का डाउट है। डाई हाइब्रिड क्रॉस तो बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो बहुत ही आसान है, आप देखकर समझ सकते हैं। यहां पे एक t एंड t, ठीक है, एक T एंड एक t। F1 जनरेशन के प्लांट के बीच जब क्रॉसिंग ओवर होता है, F1 जनरेशन के प्लांट के बीच जब उन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया, किसने, मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जब उन्होंने T मतलब F1 जनरेशन के प्लांट के बीच में जब उन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया, तब रिजल्ट क्या मिला, हम कैसे याद रखेंगे इसको, याद रखने की कोई बात नहीं, हम इसे समझ सकते हैं, T
ये यहाँ पे कैपिटल टी यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो दो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है, और ये स्मॉल टी यहाँ पे कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है टॉल 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 ड्वार्फ, तो अगर इन अगर ये जो प्लांट से ये जो जीन से गैमेट से अगर इन गैमेट्स में एक भी गैमेट अगर कैपिटल टी रहा तो वो क्या दिखाएगा, मतलब वो क्या करेक्टर दिखाएगा, वो दिखाएगा टॉल प्लांट का नेचर, ठीक है, वो दिखाएगा टॉल प्लांट का नेचर। यहाँ पे एक कैपिटल टी एंड और एक कैपिटल टी ही है इसलिए ये दिखाएगा क्या, ये दिखाएगा टॉल नेचर। एंड उसके बाद एक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये भी दिखाएगा टॉल नेचर क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के करेक्टर को सप्रेस कर रहा है, खुद को डोमिनेट कर। आखिरी वाला जो है ये है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मल्टीप्लाई होकर बन जाते हैं स्मॉल टी दो स्मॉल टी, तो हो जाते हैं ये क्या ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे टॉल का जीनोम ही नहीं है, टॉल का गैमेट्स ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये ड्वार्फ प्लांट का करेक्टर दिखाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ टू जनरेशन में हमें क्या दिखा, 1 2 3 दिखा, क्या टॉलनेस हमें क्या दिखा, टॉल हमें दिखा 3 के बराबर एंड ड्वार्फ दिखा 1 के बराबर। तो टॉल इज टू ड्वार्फ दिखा, मतलब फिनोटाइप हमें बाहर से दिख रहा है, ठीक है, अंदर से तो ड्वार्फ प्लैनेट्स का गैमेट्स प्रेजेंट है उनके अंदर, लेकिन हमें बाहर से दिख रहा है, इसीलिए हमने इसमें पढ़ा कि फिनोटाइप रेशियो हमें बाहर से दिख रहा है, टॉल प्लांट कितना 3 एंड ड्वार्फ प्लांट कितना 1, ठीक है, हमें बाहर से दिख रहा है कि ये जो फिनोटाइप रेशियो है टॉल इज टू ड्वार्फ ये है 3:1, लेकिन एक्चुअल में इसका जीनोटाइप रेशियो क्या है, एक्चुअल में इसका जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1, क्योंकि होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी कैपिटल कितने बार है, कैपिटल एंड कैपिटल टी सिर्फ एक ही बार है, मतलब जो चार टेबल जो है यहाँ पे जो चार सेल है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो होमोजाइगस टॉल नेचर है ये 25% है, हेटरोजाइगस टॉल नेचर जो है ये 50% है एंड होमोजाइगस ड्वार्फ नेचर जो है ये 25% है, ठीक है, मतलब जीनोटाइप रेशियो यहाँ पे कैपिटल टी दो कैपिटल टी हुआ एक बार एंड कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ दो बार एंड स्मॉल टी हुआ एक बार, तो रेशियो हो गया 1:2:1। जब भी जीनोटाइप रेशियो देखा जाएगा तो ये 1:2:1 के रेशियो में पाया जाएगा। According to Mendel, tallness and dwarfness were determined by a pair of contrasting factors or determinants. मतलब जो tallness है या फिर dwarfness है plant का, एक plant tall है या फिर dwarf है, क्यों होता है वो tall? क्योंकि वो tallness का एक factor carry करता है और उस factor को बोलते हैं gene, ठीक है? जैसे कि capital T tallness का जो हमने symbol दिया था capital T and dwarfness का small T, अगर वो capital T का gene carry करेगा तो वो हो जाएगा tallness and small T का gene carry करेगा तो वो हो जाएगा plant ड्वार्फ, ठीक है। नाउ दीज आर कॉल्ड जिन, वो जो फैक्टर्स कंटेन करते हैं टॉलनेस या फिर ड्वार्फनेस का उसे बोलते हैं जिन। ए प्लांट इज टॉल बिकॉज इट पोजेस डिटरमिनेंट्स फॉर टॉलनेस, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, एंड ए प्लांट इज ड्वार्फ बिकॉज इट पोजेस ए डिटरमिनेंट्स फॉर ड्वार्फनेस। एक प्लांट को हम टॉल कब बोल सकते हैं, जबकि वो एक कैपिटल टी जिन कैरी करेगा तब हम उसे ए प्लांट इज टॉल बोल सकते हैं। वैसे ही ए प्लांट ड्वार्फ कब होगा, एक प्लांट ड्वार्फ तब होगा जब वो ड्वार्फनेस या फिर स्मॉल टी का जीन कैरी करेगा, ठीक है। दिस डिटरमिनर ऑकर इन पेयर एंड रिसीव वन कम एदर पेरेंट्स, मतलब ये है कि जो डिटरमिनर्स है कैपिटल, ये तो सिर्फ एक ही जीनोम तो नहीं रहता है, ठीक है, ये जो डिटरमिनर है ये सिंगल नहीं रहता है, ये फैक्टर मतलब ये जीन सिंगल नहीं रहता है। अगर कैपिटल टी दो हो जाए तो हम उसे टॉल बोल सकते हैं, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी तब भी हम उसे टॉल बोल सकते हैं, लेकिन वो प्योर टॉल नहीं होगा। जब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा तब वो प्योर टॉल नहीं होगा, वो हो जाएगा सिर्फ टॉल प्लांट, ठीक है। एंड स्मॉल टी अगर दो हो जाएंगे तो हो जाएगा वो ड्वार्फ प्लांट। The determiners are never contaminated during gamete formation. They segregate as separate entities. इसका मतलब ये है कि जबकि क्रॉस प्रोडक्शन मतलब क्रॉस पोलिनेशन हो रहा होता है, क्रॉस पोलिनेशन हम करेंगे किसी टॉल प्लांट तो किसी ड्वार्फ प्लांट के साथ, तब उनके बीच में जो जीन्स होता है वो मतलब वो कॉन्टामिनेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, वो मिल नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जब फॉर्मेशन करते हैं, कुछ हम पढ़ेंगे बाद में कैसे फॉर्मेशन होता है, मतलब एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट
की वजह से कैसे एक नया प्लांट फॉर्मेशन होता है, हमने तो वो सब पढ़ा है ना कि एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, टॉलनेस प्योर टॉल प्लांट से एक कैपिटल टी निकलता है और प्योर ड्वार्फ प्लांट से एक स्मॉल टी निकलता है, तब जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलकर जो प्लांट होता है वो होता है टॉल प्लांट, क्योंकि वो टॉलनेस वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स एंड बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अच्छा लगा हो तो लाइक तो जरूर बनता है, और किसी और को भी हेल्पफुल हो इसलिए शेयर करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।